दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी WhatsApp पर जो नया अपडेट आ गया है उसके बाद अपना WhatsApp का खुद का चैनल किस प्रकार बना सकते हैं। अगर आप भी WhatsApp पर चैनल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाना है। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सभी को सर्च बार में टाइप करना है WhatsApp, और WhatsApp सर्च बार में टाइप करके अपडेट कर लेना है। तो ये मैंने WhatsApp टाइप किया। WhatsApp टाइप करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अपडेट मांग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे WhatsApp एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये जो है फीचर जो है अपडेट वर्जन में ही आया है। तो आप सभी को सबसे पहले अपडेट कर लेना है, उसके बाद ही ये फीचर जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट हो जाने के बाद आप सभी को ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप सभी WhatsApp जो देख सकते हैं, WhatsApp ओपन हो गया है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो होम पेज दिखाई देगा, अब आप सभी को होम पेज देखिए कुछ अलग तरीके का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मेरे में ये यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी ये वाला अपडेट चाहिए, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चैट अपडेट से इस तरीके से ये अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये अपडेट मैं आप सभी को दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर AKG माइंड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके भी वहाँ पर आ जाइएगा, वहाँ पर मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। अब ये आ गया, फिर उसके बाद आप सभी को अपडेट वाले फीचर पे आना है। अपडेट वाले फीचर पे आएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को ऊपर जो है कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये ऑप्शन दरअसल होते क्या, जो स्टेटस लगाए जाते थे वो स्टेटस हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। अब नया चैनल बनाने के लिए चैनल के सामने ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, सबसे पहला क्रिएट चैनल पर क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से एग्री एंड कंटिन्यू आएगा, आप सभी को एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले कोई लोगो लगा लेना है, लोगो या फोटो कुछ भी लगा सकते हैं। तो गैलरी पर जाता हूँ, गैलरी पर जाने के बाद यहाँ पर मैं आप सभी के सामने जो है कोई भी लोगो जो है मैं लगा लेता हूँ या फोटो लगा लेता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं कोई फोटो या लोगो लगा लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम का लोगो लगा लेता हूँ, ये मैंने लोगो लगा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं चैनल का नाम लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। तो कुछ भी यहाँ पर आप सभी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे एग्जाम्पल में, उसके बाद जैसे इतना कंप्लीट हो जाएगा आप सभी क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है। और देखिए क्रिएटिंग चैनल हो गया, अभी देखिए आपका चैनल जो है वो बनके तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पे 0 फॉलोवर्स है। अब यहाँ से आप किसी को भी मैसेज करेंगे आसानी से, और जो भी आपको फॉलो करेगा आप उसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे चैनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ से आप किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद WhatsApp पर आप किसी को चाहें तो ये ग्रुप जो है शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं WhatsApp पर किसी को शेयर करना चाहता हूँ तो ये मैंने शेयर कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, मैंने शेयर कर दिया और ये ग्रुप आपका बन गया। अब इस तरीके से, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप मान लीजिए किसी का ग्रुप जब फॉलो करते हैं तो यहाँ पे किसी के ग्रुप को फॉलो करने के बाद केवल आप उसके वीडियोज या फोटोज वगैरह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फोटोज वगैरह देख सकते हैं, लेकिन आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मैसेज वगैरह नहीं कर सकते किसी को भी। इसी तरीके से आपके ग्रुप में जो कोई फॉलो करेगा आपका ग्रुप, वो आपको मैसेज नहीं कर सकता, बल्कि आपने जो भी फोटो वीडियो सेंड किए होंगे वो आपके फोटो वीडियो देख सकता है। जैसे मान लीजिए मैं फोटो यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ तो ये फोटो वीडियोज आपके देख सकता है, लेकिन आपके मैसेज को यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप अपना खुद का एक आसानी से WhatsApp पर चैनल बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।